भोपाल में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर ठग अनवर बेग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ठग लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे जमीनों का ज्वाइंट वेंचर प्लांट, जमीन, मकान, दुकान, मल्टी कॉम्प्लेक्स, पेंट हाउस, फार्म हाउस दिलाने और बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करता था। बता दें कि शातिर अनवर बेग को भोपाल क्राइम ब्रांच ने इटखेड़ी में गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी अनवर बेग नटवर लाल के रूप में भोपाल में जाना जाता है, जो लोगों को मकान, दुकान, प्लाट, जमीन, ज्वाइंट वेंचर बिल्डिंग, मंडी कॉम्प्लेक्स, पेंट हाउस, फॉर्म हाउस की 50% मुनाफे की खरीद बिक्री का लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा करता था और झूठे एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर उनके जमीनों प्लॉटों की फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति हड़पता था। बता दें कि अनवर बेग ने आम लोगों से अब तक 20 से 25 करोड़ की राशि की ठगी की है। अनवर बेग पर कई तरह के केस भी दर्ज है जिसमें वह फरार चल रहा है। क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ रुपए धोखाधड़ी वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, पेट में से फरार था, स्थाई वारंट जारी किया। क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा लगातार फरार और जो धोखाधड़ी वाले अपराधी हैं उनकी पतारसी की जाकर धरपकड़ की जा रही है। हमें सूचना मिली थी कि अनवर बेग नामक जो एक बिल्डर है जिसने कि कई प्रोजेक्ट किए हैं और कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, इसके खिलाफ थानों में धोखाधड़ी के मामले और न्यायालयों में कई वारंट लंबित हैं और ये अपने मकान से फरार होकर इटखेड़ी क्षेत्र में कहीं रह रहा है। इसकी पतारसी की गई और उसको पड़ताल की गई, फिर घेराबंदी करके पकड़ा गया और जो अपना यहाँ पे इसके जो सेंटरिंग का काम करता था उस मजदूर के घर रहने की सूचना मिली, तलाश की, पूछताछ की, जिसके द्वारा बताया गया कि काफ़ी दिनों से ये फरार घूम रहा है और जो पुलिस की जानकारी में नहीं आया, बाद में क्राइम ब्रांच के द्वारा इसको पकड़ा गया। काफ़ी मामलों में इसके वारंट न्यायालय से मिले हैं, कई मामलों में फरार है, उसको संबंधित थाने के सुपुर्द किया गया है। इसके अलावा इसने जो फ्रॉड किए हैं उससे संबंधित दस्तावेजों के संबंध में पूछ पड़ताल की गई है और भी अगर कोई व्यक्ति जो इसका पीड़ित है जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है हमारे सामने आता है, हमें को कंप्लेंट देता है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अभी जो हमें मालूम है कि 2 दर्जन लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी की है, इसमें कुछ लोगों को न्यायालय से वारंट जारी हुए हैं और कुछ लोगों ने FIR कराई है। इसके अलावा जो लोग रह गए हैं जिनके साथ अभी तक उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करी वो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। किस तरह की धोखाधड़ी? ये व्यक्ति जो शहर में पुराने शहर में प्रोजेक्ट बनाकर फ्लैट्स वगैरह बेचते थे, डेवलपमेंट का काम करते थे और बाद में पैसे लेकर उनको फ्लैट नहीं देना या जगह दिखाकर उनको बाद में रजिस्ट्री नहीं करना, इस तरह की शिकायत आई। बाद में कई लोगों को चेक भी दिए हैं जहाँ से देने के लिए और बाद में वो चेक बाउंस हो गए और ये व्यक्ति ने फ़ोन बंद करके गायब हो गया, तो लोगों को मिल नहीं रहा है, उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो बुकिंग का रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो इस संबंध में जो हम लोगों ने पड़ताल की है। देखिए हम लोग वो जो संबंधित थाना है वो अपने मामले में इसकी पड़ताल पतारसी और जब्ती करेगा। हम लोगों ने अभी पकड़कर संबंधित थाने जिसमें वारंट है उनको सुपुर्द कर दिया है।